आ ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू ओके लेक्चर संपल नहीं है का लेक्चर संपल नहीं है अजुन आधी ओके 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 okay so we are discussing low birth weight am i right and yesterday we have discussed many things but a few important thing is one thing what we are supposed to know is antenatal care importance of antenatal care in preventing low birth weight okay so good antenatal care is essential then we have seen that uh, there are certain interventions. Okay, so regarding interventions, these interventions can be direct interventions or they can be indirect interventions. Uh, just my one question uh, to you who is uh, Sunita Power? Yes. आपल्या नाव आहे का सुनीता पवार रुमन रुमन एम आय ऑडिबल रुमन एम आय येस हो का पण <पर तो रुँआाँगते> मग सुनीता पवार रिनेम करून एंटर करायला सांगा ना त्यांना त्यांचं स्वतःचं नाव हे करून एंटर कराल सांगा ओके हो का काय एरर काय एरर येते पण मग आता हा टेक्निकल प्रॉब्लेम समजायचा की काय अच्छा ओके ओके नेटवर्क नेटवर्कचा प्रॉब्लेम असेल मे बी माझं झालं पटकन कनेक्ट तर आय थिंक सो so, ठीक आहे आवाज येतोय का पण तुम्हाला माझा ओके 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 थैंक यू सो वी कैन स्टार्ट राइट वी कैन स्टार्ट फक्त सुनीता पवार को रीनेम करा सांगा ओके सो दैट द्लेम नहीं मैं इतने लिस्ट बढ़ा ओके आज बराज वे गेला सो इनस्टेड ऑफ वेस्टिंग आवर टाइम इन रिविजन डिरेक्टली वी विल स्टार्ट विथ आर टॉपिक सो फोर इम्पोर्टेंट हेडिंग्स that you are supposed to know regarding the low birth weight and its prevention okay, okay. so what we said is good antenatal care there can be direct interventions indirect interventions we are supposed to treat the low birth weight babies okay and another important thing is kangaroo mother care okay so

शियल एलिमेंट ऑफ न्योनेटल केयर ओके आपको न्योनेटल केयर पढ़ना है इन डेफ फॉर एलेक्यू तो न्योनेटल केयर का के एम सी इज वन ऑफ दशियल एलिमेंट ओके अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग वट वी कैन से रिगार्डिंग इंट्रोडक्शन हु इंट्रोड्यूस्ड दिस कंगारू मदर केयर Okay, so Kangaroo Mother Care was introduced in the year 1979. I am saying 1979. Okay, this is the year when Kangaroo Mother Care was introduced in. इट इज इंट्रोड्यूस्ड इन कोलम्बिया ओके इट इज इंट्रोड्यूस्ड इन कोलंबिया ओके सो ईयर है नाइनटीन सेवेंटी नाइन कहाँ पे ये इंट्रोड्यूस किया गया कोलंबिया में ओके नो बेसिकली दिस इज एडॉप्टेड बाय मेनी ऑफ दी डेवलपिंग कंट्रीज तो सबसे पहले कोलंबिया में इसे इंट्रोड्यूस किया लेकिन उसके बाद बहुत सारे डेवलपिंग कंट्रीज ने इसे एक्सेप्ट किया है एडॉप्ट किया है ओके नो वाई इट इज इम्पोर्टेंट वाई दिस केयर इज इंपॉर्टेंट वोट वी कैन से बेसिकली इट हेल्प्स टू प्रमोट सर्टन थिंग्स ओके so when we give this care to low birth weight babies okay it helps in effective thermal control okay in effective thermal control second important thing it increases bonding between mother and baby okay it promotes parental bonding third thing it promotes breastfeeding एंड अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इट प्रमोट्स प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शन ओके तो जब भी हम कांगारू मदर केयर देने वाले हैं ओके okay, तो डिफरेंट थिंग्स आर देयर एक तो बेबी का थर्मल कंट्रोल अच्छा रहने वाला है इसमें हम ब्रेस्ट फीडिंग को प्रमोट करने वाले हैं मदर बेबी का बॉन्ड अच्छा होने वाला है और बेबी को हम प्रिवेंशन से इन्फेक्शन से प्रिवेंट कर सकते हैं ओके okay?

ओके okay? तो फर्स्ट कंपोनेंट हमारा कंगारू पोजीशन के बारे में है या फिर वी कैन से देर शुड बी स्कीन टू स्कीन कॉन्टैक्ट ओके सो वी आर टॉकिंग अबाउट मदर एंड बेबी ओके सो यहाँ पे द बेबी ओके इट इज केप्ड ऑन मदर्स चेस्ट ओके तो वो कैसे रखते हैं ये हम बाद में देखेंगे तो फर्स्ट कंपोनेंट है वी आर सपोज टू प्रमोट कंटिन्यूस एंड प्रोलोंग्ड स्कीन टू स्कीन कॉन्टैक्ट बिटवीन मदर एंड द बेबी ओके सो फर्स्ट कंपोनेंट सेकेंड कंपोनेंट में वी आर सपोज टू पे अटेंशन टू इंटेंसिव केयर ओके बेबी को जो इंटेंसिव केयर अगर लगती है तो वी आर सपोज टू पे अटेंशन टू दैट इंटेंसिव केयर में वट डिफरेंट थिंग्स आर देयर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स where we are supposed to pay attention is the temperature. Okay, so these babies, low birth weight babies, they are more vulnerable, okay, to develop hypothermia. Okay, तो उनका बॉडी का टेम्परेचर कम होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है. तो उनके टेम्परेचर के ऊपर हमें ध्यान रखना है. And another important thing, one should not forget to monitor or to see

अगर हाइपोक्सिक बेबी है तो बेबी को सेरेब्रल पालसी होने की पॉसिबिलिटी है ऐसे एविडेंसेस हमारे पास है तो जब भी ये बेबीज का केयर हमें लेना है तो उनका ऑक्सीजन लेवल हमें मॉनिटर करना है इफ रिक्वायर्ड ऑक्सीजन शुड बी गिवन टू सच बेबीज ओके तो अगर उनको ऑक्सीजन लगता है तो हमें ऑक्सीजन उन्हें देना है ओके बट साइमल्टेनियसली यू शुड नो अदर साइड टू लो बर्थ वेट बेबीस अगर हम देते हैं ऑक्सीजन इट शुड नॉट बी एक्सेस ओके जो दे रहे हैं वो कभी भी एक्सेस नहीं होना चाहिए ओके एंड इट शुड नॉट बी गिवन फॉर प्रोलॉन्ग्ड ड्यूरेशन ओके तो कितना कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन का देते हो कितने समय के लिए देते हो बोथ थिंग्स आर इम्पोर्टेंट ओके ये क्यों इम्पोर्टेंट है क्योंकि अगेन व्हाट वी आर हैविंग अगेन वी आर हैविंग एविडेंसेस अगर लो बर्थवेट बेबीज को हम ऑक्सीजन ज़्यादा दे रहे हैं ज़्यादा समय के लिए दे रहे हैं मतलब इफ़ वी आर गिविंग ऑक्सीजन इन हाई कॉन्सेंट्रेशन एंड इफ वी आर गिविंग इट फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन इट लीड्स टू अ कंडीशन विच इज कॉल्ड एज रेट्रोलेंटल फाइब्रोप्लेजिया ओके सो दिस इज रेट्रोलेंटल आपने सुना है ये नाम फाइब्रोप्लेजिया ऐकले का नहीं, ओके रेट्रोलेंटल फाइब्रोप्लेजिया यू आर सपोज टू नो इट फ्रॉम थर्ड ईयर ऑफ थर्मोलॉजी ओके और अगर थर्ड ईयर से नहीं याद आ रहा है तो वन मोर एब्रीविएशन आई विल राइट हियर सो कैन एनी वन ऑफ यू रिकॉल दिस एब्रीविएशन विच यू हैव स्टडीड इन फाइनल ईयर सिलेबस आर ओ पी कुछ अठौते का आई एम टॉकिंग दिस एब्रीविएशन इन रिलेशन टू नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस ओके जो हमारे सब खत्म हो गए हैं मैडम ने सब लिए हैं आई थिंक ओके आर ओ पी किसी को याद है कोणाला येत असेल तर पटकन हँड रेस करा सो दॅट आय कॅन कम टू नो टेल यू फुल फॉर्म ऑफ दिस दिस इज टेल यू फुल फॉर्म ऑफ आर ओ पी आर ओ पी इट स्टँड्स फॉर रेटिनोपॅथी ऑफ प्री मॅच्युरिटी रेटिनोपॅथी ऑफ प्री मॅच्युरिटी आता कोणी सांगू शकेल का तुम्ही हे कुठे कोणत्या डिझीजमध्ये स्टडी केलंय Is there anyone? This is important thing you are supposed to know from the topic again which is frequently asked for your exams. ROP, Retinopathy of Prematurity. No one? Yes? Yes, Gandhali? Hmm, kai hota? बेबीला काय त्रास होऊ शकतो याच्यामध्ये कुठला कुठला वर्कन अफेक्ट होतो यु आर ऑन द ट्रॅक यु आर ऑन द राईट ट्रॅक पण आता नावावरनं आपण काय म्हणतो इथे रेटिनोपॅथी ऑफ प्री मॅच्युरिटी म्हणजे कुठला पार्ट अफेक्ट होणार आहे अँड काय होणार आहे सिम्पल लॉजिक इज देअर नाव रेटिना अफेक्ट होणार वॉट इट विल रिझल्ट इन विच नॉन कम्युनिकेबल डिझीज

ओके लेकिन दिस इज रिलेटेड टू द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन दैट वी आर गिविंग टू लो बर्थवेट बेबीज एंड हाउ लॉन्ग वी आर गिविंग ओके वन मोर रेफरेंस यू आर सपोज टू नो रिगार्डिंग रेट्रोलेंटल फाइब्रोप्लेजिया इन द चैप्टर एपिडेमियोलॉजी ओके यू आर गोइंग टू स्टडी द रिसर्च विच इज कंडक्टेड रिगार्डिंग दिस इशू ओके सो वॉट वी सेड कि इंटेंसिव केयर जब हमें लेना है ओके तो टेम्परेचर के ऊपर हमें ध्यान रखना है सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग ऑक्सीजन हमें देना है क्यों देना है ये पता है देते वक्त आपको क्या प्रिकॉशन लेनी है अभी ये भी आपको पता है ओके नाउ नेक्स्ट वी विल गो टू दर्ड द थर्ड कंपोनेंट इट इज इधर यू कैन से दिस इज एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग और वी कैन कॉल इट एज कंगारू न्यूट्रिशन ओके तो थर्ड कंपोनेंट में हमें बेबी के न्यूट्रिशन के ऊपर ध्यान देना है ओके वी आर सपोज टू पे अटेंशन टू न्यूट्रिशन तो यहाँ पे बेस्ट फूड कौन से भी न्यूबॉन्स के लिए क्या होता है ब्रेस्ट मिल्क ओके लेकिन हम बात कर रहे हैं लो बर्थ वेट बेबीज के बारे में ओके सो जनरली वॉट हैपन्स दे आर नॉट एबल टू सक ओके तो ब्रेस्ट मिल्क वो सक नहीं कर सकते हैं बट स्टिल इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गिव देम ब्रेस्ट मिल्क एज देयर न्यूट्रिशन और एज देयर फूड तो अभी हमें यहाँ पे क्या करना है ब्रेस्ट मिल्क को एक्सप्रेस करना है और वही मिल्क बेबी को हमें देना है ओके तो समटाइम्स कभी कभी आपको कुछ कैथेटर्स नेजल कैथेटर्स डालने हैं एंड उसके थ्रू ब्रेस्ट मिल्क देना है ओके क्यों ये करना है बेसिकली बेबी का न्यूट्रिशन अच्छा हो जाएगा एंड मदर के लिए क्या बेनिफिट है इसका इट प्रमोट्स लैक्टेशन ओके तो लैक्टेशन को ये प्रमोट करने वाला है इसलिए थर्ड कंपोनेंट में वी आर गिविंग फोकस ऑन न्यूट्रिशन ओके सो इसका टाइटल है इधर यू कैन राइट कंगारू न्यूट्रिशन यू कैन राइट सिंपल ब्रेस्ट फीडिंग और यू कैन मेंशन इट एज एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग ओके अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शन सो नेक्स्ट हमें क्या करना है प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शन सी वॉट हैपन्स मोस्ट ऑफ द टाइम्स

उनको हमें प्रोटेक्ट करना है अगेंस्ट प्रिवेंशन सो फॉर दैट रीजन वी आर सपोज टू टेक ऑल असेप्टिक प्रिकॉशंस ऑल हाइजेनिक कंडीशन शुड बी मेंटेन्ड ओके सो फोर्थ कंपोनेंट राइट नाउ फोर इंपॉर्टेंट थिंग्स यू आर सपोज टू नो इन रिलेशन टू द कंपोनेंट सो फर्स्ट कंपोनेंट वॉट वी सेड दिस इज कंगारू पॉजिशन सेकेंड कंपोनंट वी सेड इंटेंसिव केयर थर्ड कंपोनंट वी सेड अबाउट कंगारू न्यूट्रिशन

ओके एंड सिंस वी आर अवॉइडिंग सम आउटसाइड फूड ओके सो पॉसिबिलिटी ऑफ कंटामिनेशन इज देयर तो ये कंटामिनेशन काम हो जाएगा सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग इफेक्टिव थर्मल कंट्रोल है बेबी को हम स्कीन टू स्किन पोजीशन दे रहे हैं मदर और बेबी को ओके सो दैट हेल्प्स टू मेंटेन दी अप्रोप्रिएट टेम्परेचर और दैट हेल्प्स टू प्रिवेंट हाइपोथर्मिया ओके हाइपोथर्मिया से हम बेबी को प्रिवेंट कर सकते हैं ओके एंड दर इज नो नीड ऑफ इंक्यूबेशन जो कन्वेंशनल इंक्यूबेश इंक्यूबेटर्स यूज करते थे बेबी को वार्म रखने के लिए तो उसकी ज़रूरत नहीं है आर यू गेटिंग इट ओके तो बेबी का टेम्परेचर मेंटेन करना है तो बेबी को इनक्यूबेटर में रखो तो इसकी बजाय हम क्या कर रहे हैं मदर और बेबी को ऐसे पोजिशन दे रहे हैं विच कैन हैव इफेक्टिव थर्मल कंट्रोल एंड इट इज इक्वालंट इट इज इक्वालेंट टू कन्वेंशनल इंक्यूबेटर केयर ओके जो केयर इंक्यूबेटर में मिलती है उतनी ही इक्वालेंट केयर बेबी को मिलने वाली है सिर्फ कंगारू पोजिशन की वजह से ओके वन मोर थिंग अगर बेबी का टेम्परेचर सब अच्छा रहता है तो डिस्चार्ज फ्रॉम हेल्थ सेंटर विल बी अर्लियर ओके एंड मदर विल बी मोर कंफर्टेबल इन हाउस होल्ड एनवेंट ओके दिस फर्दर हेल्प्स टू रिड्यूस मॉर्बिडिटी ओके बेबी में मॉर्बिडिटी कम हो जाएगी और जैसे कि हॉस्पिटल स्टे कम हो रहा है ओके okay? हमने क्या बोला कि अर्ली डिस्चार्ज हो जाएगा हेल्थ सेंटर से तो हॉस्पिटल स्टे कम हो जाएगा तो जो कुछ भी हॉस्पिटल एक्वाड इन्फेक्शन की पॉसिबिलिटी है ओके विच कैन बी एक्वाड बाई बेबी तो दैट कैन बी रिड्यूस्ड ओके सो देर इज प्रोटेक्शन

आ, आवाज आवाज और स्लाइड में कुछ प्रॉब्लम नहीं है ना ओके ओके थैंक यू थैंक यू तो एलिजिबिलिटी हमें देखनी है तो मदर की भी एलिजिबिलिटी हमें देखनी है इसमें और बेबी की भी देखनी है ओके okay? तो बेबी के बारे में अगर बेबी का वेट 1.8 पॉइंट और यू कैन से मोर देन 1800 ग्राम इससे ज्यादा है तो इमिडिएटली वी कैन स्टार्ट कांगारू मदर केयर ओके तो इमिडिएटली हम इसे स्टार्ट कर सकते हैं लेकिन अगर इससे कम है तो इन दैट केस हमें बेबी को पहले स्टेबल करना है उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे ओके okay? और मदर के लिए मदर के लिए हमें क्या देखना है मदर का विलिंगनेस होना चाहिए मदर शुड बी विलिंग ओके द जनरल हेल्थ स्टेटस ऑफ मदर शुड बी गुड ओके जनरल हेल्थ स्टेटस ऑफ मदर शुड बी गुड अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग

जब हमें ये बेबीज़ का मॉनिटरिंग करना है ओके वेन यू विल डू हॉस्पिटल वर्क एंड वेन यू आर सपोज टू मॉनिटर दीज बेबीज़ वट यू आर सपोज टू मॉनिटर आपको एयरवे देखना है ओके okay, आपको बेबी का ब्रीदिंग देखना है बेबी का टेम्परेचर देखना है टेम्परेचर के बारे में द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग यू आर सपोज टू नो एज ऑलरेडी वी सेड कि देर इज़ पॉसिबिलिटी ऑफ हाइपोथर्मिया ओके सो इफ़ टेम्परेचर इज लेस दैन थर्टी सिक्स डिग्री सेल्सियस ओके इससे कम अगर टेम्परेचर है तो बेबी को हम हाइपोथर्मिया है ये बोलने वाले हैं ओके इसमें वापस माइल्ड मॉडरेट और सीवियर हाइपोथर्मिया को क्लासीफाई किया है ओके okay? तो राइट नाउ यू जस्ट पे अटेंशन टू दिस नंबर टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर लेस देन थर्टी सिक्स पॉइंट फाइव डिग्री सेल्सियस ओके हाइपोथर्मिया एंड इवन रेंज फॉर हाइपर थर्मिया इट इज़ वेरी नैरो रेंज फॉर दीज बेबीज ओके तो अगर बॉडी टेम्परेचर थर्टी सेवन पॉइंट फाइव डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा है तो हाइपर थर्मिया तो बहुत नैरो सिर्फ वन डिग्री सेल्सियस की रेंज है हमारे पास फोर सच बेबीज कॉलिंग एज दोज बेबीज हैविंग हाइपोथर्मिया एंड दोज हैविंग हाइपर थर्मिया ओके तो टेम्परेचर के ऊपर हमें ध्यान देना है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वन शुड नॉट फो गेट टू ऑब्सर्व कलर ऑफ स्किन ऑफ सच बेबीज ओके तो कलर में आपको क्या ऑब्जर्व करना है ब्लूइश कलर ओके साइनोसिस अगर डेवलप होता है तो दैट यू आर सपोज टू सी ओके सो सो मेनी थिंग्स आर कंसर्न विथ अप्रोप्रिएट मॉनिटरिंग ऑफ के एमसी बेबीज ओके नव वॉट इज दी प्रोसीजर ओके तो के एमसी प्रोसीजर में हमें क्या करना है अप्रोप्रिएट जो हमने बोला पोजिशन देनी है हमें ओके okay, बेबी को तो वो कैसे देनी है नॉट वी आर सपोज टू डू वी आर सपोज टू प्लेस बेबी ऑन द चेस्ट ऑफ द मदर ओके प्रिफरेबली बिटवीन ब्रेस्ट ओके तो यू कैन सी दिस इमेज एंड ट्राई टू को रिलेट वोट आई एम से प्लेस द बेबी ऑन द चेस्ट ओके बिटवीन द ब्रेस्ट इन अपराइट पोजिशन ओके तो बेबी का जो पोजिशन है वो अपराइट पोजिशन है नाउ पे अटेंशन टू दी हेड ऑफ दर सपोज टू टर्न टू वन साइड ओके एक साइड को हेड हमें टर्न करना है एंड इट शुड बी स्लाइटली एक्सटेंडेड ओके अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो स्लाइटली एक्सटेंडेड पोजिशन में हेड होना चाहिए ओके एंड फ्रॉक का पोजिशन कैसे होता है ना द पोजिशन शुड बी लाइक दैट ओके तो आपको अभी फोकस करना है आर्म और हिप्स ओके okay? जो हिप्स है बेबी के तो हिप्स शुड बी फ्लेक्स्ड एंड इट शुड बी एबडक्टेड ओके तो हिप्स को हमें फ्लेक्स करना है एबडक्ट करना है ओके okay? और आर्म्स को भी फ्लेक्स पोजिशन में रखना है ओके एंड द बेबीज एब्डोमेन इट शुड रेस्ट एट मदर्स एपिगेस्ट्रियम ओके तो जो मदर का एपिगैस्ट्रियम पार्ट है वहां पे बेबी का एबडोमिन होना चाहिए एंड अप्रोप्रिएट सपोर्ट ओके तो बेबी नीचे गिरना नहीं चाहिए इसलिए हमें अप्रोप्रिएट सपोर्ट देना है ओके सो दिस इज अबाउट कंगारू मदर केयर ओके अंडर एस एक् इधर फॉर टू मार्क्स और फाइव मार्क्स ओके प्लीज परमिट मी टू एंड दिस मीटिंग एंड यू ऑल प्लीज रीजॉइन Am I audible? Thank you. Thank you. Okay, so just once again pay attention to the kangaroo position. Okay and must know point from your syllabus okay so low birth weight it is uh, given at different places and this is the combined answer where you are supposed to refer at different places and you are supposed to write about the low birth weight okay still uh, there are few things which are concerned with uh, low birth weight but uh, since we are losing lots of time in connectivity what to do पुन्हा सगळ्यांना डिस्कनेक्ट होतंय का डिस्कनेक्ट होतंय का तुमचं सारखं सारखं परत ओके ओके सो अभी वन मोर थिंग इज कंसर्न विद द लो बर्थ वेट ओके तो वॉट डिफरेंट पब्लिक हेल्थ एक्शंस दैट वी कैन टेक ओके तो पब्लिक हेल्थ एक्शंस हम क्या करेंगे ओके okay? अगर हमें लो बर्थ वेट को रिड्यूस करना है हमारे कंट्री में ओके okay? तो सबसे पहले हमें ध्यान देना है फर्टिलिटी के ऊपर ओके okay? तो हमने टू इम्पॉर्टेंट कॉजेज देखे थे ओके okay? टीन या एडोलेसेंट प्रेगनेंसी का तो इसके लिए वी आर सपोज टू डीले

इन रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप ओके तो फिफ्टीन से फोर्टी नाइन जो एज ग्रुप है एडोलेसेंट जो एज ग्रुप है ये दोनों के ऊपर हमें ध्यान देना है ओके okay? उनका न्यूट्रिशनल स्टेटस हमें इम्प्रूव करना है इसके लिए जो स्कीम्स है दैट आर कंसर्न विद दी सप्लीमेंटेशन ऑफ फूड ओके तो इन्हें हमें फूड देना है उसके साथ साथ वी आर सपोज टू गिव न्यूट्रिशन एजुकेशन ओके तो एजुकेट करना है अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग प्रिवेंशन में हमने देखा था ए के बारे में ओके okay? तो ए एन सी एंटीनेटल केयर डेफिनेटली इसका क्वालिटी अच्छा होना चाहिए ओके द फीमेल शुड गेट गुड क्वालिटी ऑफ एंटीनेटल केयर लेकिन क्वालिटी के साथ साथ हमें और एक चीज़ देखनी है दैट इज एक्सेसिबिलिटी ओके सो देर शुड बी गुड एक्सेस ओके जो कुछ भी एंटीनेटल केयर है जो कुछ भी हेल्थ सेंटर से गवर्नमेंट हेल्थ सेंटर से एंटीनेटल केयर दिया जाता है ओके okay? सो so, ये जो है ये एक्सेसिबल होना चाहिए मीन्स वॉट इट शुड बी विद इन रीच ऑफ पॉपुलेशन थोड़क का जा कन्वीनिएंट पाजिए ओके कि हेल्थ सेंटरला सेंटर ला महि कन कम्फर्टेबल कन्विनियट वाटला पाहिजे बऱ्याचदा काय होतं इन हिली एरियाज ओके हेल्थ सेंटर्स आर लोकेटेड एट फार डिस्टेंस एंड जनरली दीज पीपल ट्राय टू अवॉइड ओके टू विजिट टू हेल्थ सेंटर्स ओके सो दिस इज द सीनेरियो विच वी कैन फाइंड इन इंडिया ओके तो ए एन सी जो है पब्लिक हेल्थ मेजर के हिसाब से ओके okay, जो हेल्थ सेंटर्स है वो एक्सेसिबल होने चाहिए क्वालिटी अच्छा होना चाहिए ओके okay? इसके साथ साथ हमें मदर को एडवाइस देना है ओके okay? तो एडवाइस में क्या पार्ट आता है एडवाइस अगेन हियर वी आर सपोज टू फोकस ऑन अंडर नरिश्ड वुमेन ओके तो एक कॉज हमने देखा था लो बर्थ के वेट के लिए ओके इफ दैट मदर इज डूइंग हार्ड वर्क एक्सेसिव वर्क ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ओके दैट कैन कॉन्ट्रीब्यूट टू लो बर्थ वेट तो यहाँ पे हमें क्या एडवाइस देना है शुड टेक सफिशियंट रेस्ट ओके तो उसे रेस्ट लेनी है ओके okay? उसके साथ साथ उसके हैबिट्स आपको पूछने हैं अगर इंडिया में जो हमने देखा टोबैको कंजम्पन का हैबिट बहुत कॉमन रहता है तो यू आर सपोज टू आज टू स्टॉप टोबैको कंजम्पशन अगर आपके पेशेंट स्मोकर है अल्कोहल ले रही है तो अकॉर्डिंगली दी एडवाइस शुड बी गिविंग ओके सो एडवाइस देना है इसके साथ साथ हमें सैनिटेशन के ऊपर ध्यान देना है सैनिटेशन में Here most important thing is we are supposed to improve, okay? We are supposed to improve safe water supply. yahan pe hame dhyan dena hai safe water supply के ऊपर, okay? तो यहाँ पे जो keyword है that is safe, okay? सिर्फ आप water supply लिखते हो तो that will be इन करेक्ट आंसर ओके तो जो वॉटर सप्लाई होना चाहिए कम्युनिटी का इट शुड बी सेफ ओके कैन एनी वन ऑफ यू क्विकली टेल मी वॉट आर द क्राइटेरिया फॉर सेफ वॉटर सप्लाय सेफ वॉटर किसे बोलते हैं हम पटपण सेफ वॉटर मुझे कहानी वन ऑफ यू Four important points. Most frequently repeated two mark questions. So you are supposed to know all four uh, criteria concerned with the safe water. Yes. Very good. What else? Yes. What else? What else? Or good. Or though. Okay, at least you covered the most important criteria. Okay, safe water, it must be free from pathogens. Okay, so another important aspect is uh, we are supposed to improve the socio economic conditions, and the key thing is education. It is education. Okay, so we are supposed to pay to the education. So, in education, हम यहाँ पे सिर्फ लिटरेसी के बारे में बात करते हैं तो वी आर सपोज टू इम्प्रूव फीमेल लिटरेसी ओके तो फीमेल्स को हमें एजुकेट करना है एंड उसके बाद मैटर्नल एजुकेशन के ऊपर हमें फोकस करना है ओके एंड एज वी सेड मलेरिया इट इज़ फाउंड एंडेमिक इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया तो एंड विच इज अनदर इंपॉर्टेंट फैक्टर कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू लो बर्थ वेट तो मलेरिया के लिए सभी प्रोफाइल एक्सिस सर्विसेस होने चाहिए मलेरिया ट्रीटमेंट के लिए ओके इन दो मलेरिया इज एंडेमिको दीज आर द फ्यू पब्लिक हेल्थ एक्शंस विच कैन बी टेकन टू रिड्यूस लो बर्थ वेट ओके नाउ लेट स्टार्ट विथ अनदर हेल्थ प्रॉब्लम अनदर न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम इन पब्लिक हेल्थ okay so as you can see on your screen we are going to discuss once again on vitamin a deficiency and xerophthalmia okay so details of this we will go quickly few things we have uh, already discussed in vitamin a okay so vitamin a deficiency or xerophthalmia basically it includes ocular manifestations of vitamin a deficiency okay and uh, how we uh,

सॉरी फॉर द इंटरप्शन या सो जेरोमिया ड्राई आई मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड एज ग्रुप जो है वो चिल्ड्रन है बिटवीन वन टू थ्री इयर्स ऑफ एज ओके फॉर एमसीक्यू अगेन यू आर सपोज टू नो दीज टू कंडीशन फर्स्ट क्लिनिकल साइन ऑफ विटामिन ए डेफिशियंसी इज कंजिंग जेरोसिस एंड फर्स्ट क्लिनिकल सिम्टम ऑफ विटामिन ए डेफिशियंसी इज नाइट ब्लाइंडनेस Bite-out spots these are triangular pearly white or yellowish foamy spots <coughs> excuse me on uh, bulbar conjunctiva these spots can be seen on either side of cornea okay what they indicate in young children and what they indicate in adults okay so presence of bite-out spots in young children they indicate deficiency of vitamin a

दोज स्टेट्स वेर राइस इट इज़ द प्रिंसिपल फूड ओके तो राइस ईटर्स जो स्टेट्स है वहाँ पे ओके सो बेसिकली राइस इट इज़ डेफिशियंट इन कैरोटीन ओके तो जो स्टेट में राइस प्रिंसिपल फूड है वहाँ पर हमें जीरोमिया दिखाई देगा ओके okay? जैसे कि आंध्रा है वेस्ट बेंगाल है ओके okay? कर्नाटका बिहार इट इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन यूर टेक्सट बुक ओके तो ये जगह है जहाँ पे बिकॉज ऑफ कंजम्पन ऑफ राइस विच इज डेफिशियंट और विच इज डिड ऑफ कैरोटीन ओके दर इज प्रिवालेंस इंक्रीज प्रिवेलेंस ऑफ जेरोफ थाल्मिया वेकेंसी ओके नॉर्थ इंडियन स्टेट्स के साथ अगर हम कंपेयर करते हैं तो वहाँ पे जेरोफ थाल्मिया का प्रिवालेंस कम है ओके okay? तो वहाँ पे कम है तो सिर्फ राइस कंजम्पशन के ऊपर हमें फोकस करना है ओके okay? जहां पे राइस कंजम्पशन ज्यादा है वहां पे जेरोफ थालमिया का प्रॉब्लम हो सकता है ओके अनदर इंपॉर्टेंट थिंग विच इज ऑब्जर्व्ड इन रिलेशन टू जेरोमिया तो इसके एपिडेमिक्स रिपोर्ट किए गए हैं, ओके एपिडेमिक्स का रिपोर्टिंग है एंड दिस रिपोर्टिंग इट इज मेनली ऑब्जर्व फ्रॉम दोज एरियाज़ फूड डोनेशन प्रोग्राम्स वे कंडक्टेड ओके तो जहाँ पे फूड डोनेशन के प्रोग्राम्स हुए हैं और जिसमें जो फूड डोनेट किया था दैट वॉज स्कीम्ड मिल्क ओके वी हैव टॉक्ट अबाउट स्कीम्ड मिल्क है फूड डोनेशन प्रोग्राम में डोनेट किया था एज यू नो इट इज डिवॉइड ऑफ कैरोन इट इज डिड ऑफ विटामिन ए तो वहां पे भी जेरो के एपिडेमिक रिपोर्ट किए गए हैं ओके क्लासिफिकेशन वी विल सी आफ्टर दिस स्लाइड ओके तो प्रिवेल अगर हमें देखना है ऑलरेडी वी हैव डिस्कस दिस स्लाइड्स ऑलरेडी सिंस एन विटामिन ए डेफिशिय अगर आपको याद है तो ये प्रिवेलेंस हम कैसे डिटेक्ट करेंगे ये हमने देखा था तो आई विल गो वेरी क्विकली थ्रू दिस स्लाइड ओके प्रिवलेंस क्राइटेरिया फॉर डिटरमाइनिंग द प्रॉब्लम ऑफ जेरोफ इन आर कम्युनिटी ओके हमारे कम्युनिटी में हमें जेरो का प्रिवलेंस देखना है ओके okay, हमारा फोकस रहेगा हाई रिस्क एज ग्रुप पे जो इंक्लूड करता है प्री स्कूल फ्रॉम सिक्स मंथ्स टू सिक्स ईयर्स ऑफ एज ओके तो इसमें हम नाइट ब्लाइंडनेस देखेंगे बाइट स्पॉट देखेंगे कॉर्नियल जीरोसिस या फिर कॉर्नियल अल्सरेशन या फिर केरेटोम देखेंगे कॉर्नियल अल्सरेशन सिर्फ अल्सर है वो हमें देखना है या सीरम रेटिनॉल की लेवल हमें देखनी है ओके okay? तो ऑब्लिक पार्ट आई थिंक इन थर्ड ऑप्शन बेटर टू फोकस ऑन कॉर्नियल जेरोसिस ओके नाइट ब्लाइंडनेस का प्रिवालेंस अगर वन परसेंट से ज्यादा है ओके okay? बाइटॉट स्पॉट का प्रिवेलेंस 0.5 परसेंट से ज्यादा है ओके कॉर्नियल जेरोसिस ओके द फिगर इज ओनली पॉइंट ओके पॉइंट परसेंट से ज्यादा है इधर कॉर्नियल जेरोसिस या फिर केराटोमलासिया कॉर्नियल अल्सर अगर हम देखते हैं ओके पॉइंट परसेंट और सीरम रेटिनॉल लेवल में हमें क्या देखना है सीरम रेटिनॉल लेवल टेन माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर से कम है ओके okay, अगर हम ऐसा देखते हैं फाइव परसेंट पॉपुलेशन या उससे ज्यादा बच्चों में सीरम रेटिनॉल का लेवल कम है तो इवन वी कैन कंक्लूड दैट ज़ेरोफ्थालमिया इज प्रिवालेंट इन दैट कम्युनिटी ओके हाउ ज़ेरोफ्थालमिया इट इज क्लासिफाइड

ओके okay, अभी एक्स अगर हम देखते हैं तो पेशेंट्स विथ कॉर्नियल जीरोसिस ओके कॉर्नियल जीरोसिस को हमें इंक्लूड करना है एक्स में अगेन वी आर हैविंग टू सब क्लासिफिकेशन एक्स थ्री ए एंड एक्स थ्री बी ओके तो दोनों में हमें क्या देखना है कॉर्नियल अल्सरेशन या फिर कैरेटोमेलासिया ओके okay, तो कॉर्नियल अल्सरेशन है या केराटोमेलासिया है तो थ्री ए में हमें कॉर्निया का कितना एरिया कवर हुआ है वो देखना है ओके सो कॉर्नियल अल्सरेशन और इन्वॉल्विंग लेस ऑफ कॉर्निया ओके दिस इज एक्स थ्री ए तो एक्स थ्री बी अभी आसान हो जाएगा ओके तो कॉर्नियल अल्सरेशन और कैरेटोमेलासिया इन्वॉल्विंग मोर दैन वन थर्ड ऑफ कॉर्निया दैट इज एक्स थ्री बी ओके एक्स एस ओके एज द नेम सजेस्ट हियर वी सी कॉर्नियल स्कार तो जेरो की वजह से अगर स्कैरिंग हुआ है कॉर्निया में तो वो एक्स एस में जाएगा और एक्स एफ में जेरोफ थाल्मिक फंडस ओके फंडस का एग्जामिनेशन करके आपको पता चलेगा ओके सो दिस इज द ग्रेडिंग और क्लासिफिकेशन ऑफ जेरोफ थाल्मिया डन बाय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन अभी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जेराफाल मेरा को हमें प्रिवेंट करना है कंट्रोल करना है ओके तो प्रिवेंशन और कंट्रोल के लिए जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने स्ट्रैटेजी दिया है वो हमें देखना है ओके और इंडिया के बारे में अगर हम बात करते हैं ओके तो जो कुछ भी एक्शंस हमें लेने हैं ओके तो इट मस्ट बी पार्ट ऑफ वट एवर डिफरेंट थिंग्स आर देयर इट मस्ट बी पार्ट ऑफ

ओके पी एच सी दूसरा एक फुल फॉर्म है प्राइमरी हेल्थ सेंटर ओके बट राइट नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट प्राइमरी हेल्थ केयर ओके तो इंडिया में इट मस्ट बी इट शुड बी कंपोनेंट ऑफ और इट मस्ट बी इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर ओके वट स्ट्रैटेजीज आर देर दैट आर एडवाइज बाय डब्ल्यू एच ओ ओके तो डब्ल्यू एच ओ ने जो एडवाइज किया है हमें जो कुछ भी एक्शंस लेने हैं उसे थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया है ओके okay? तो शॉर्ट टर्म एक्शन हम क्या लेंगे मीडियम टर्म एक्शन हम क्या लेंगे और लॉन्ग टर्म एक्शन हम क्या लेंगे ओके okay? तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म ऑल आर कंसर्न विथ डिफरेंट एक्शंस ओके जो हमें लेने हैं शॉर्ट टर्म एक्शन में हमें क्या करना है तो शॉर्ट टर्म एक्शन यहाँ पे वी आर सपोज टू पे अटेंशन टू वलनेबल ग्रुप ओके हमारा फोकस किसके ऊपर रहेगा वलनेरेबल ग्रुप और हमें क्या एक्शन लेनी है हमें क्या करना है ओके इट इज विटामिन ए प्रोफाइलैक्सिस ओके सो दैट फर्स्ट सेंटेंस इज इंपॉर्टेंट इन शॉर्ट टर्म एक्शन विटामिन ए प्रोफाइलेक्सिस ओके दैट शुड बी गिवन टू वलनेबल ग्रुप्स ओके

इन्फॉर्मेशन इज एडिशनल फॉर न्यू बॉर्न इट इज फिफ्टी थाउजेंड इंटरनेशनल यूनिट वी कैन गिव इट एट द टाइम ऑफ बर्थ ओके तो वेमेन रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में है ओके तो विद इन वन मंथ ऑफ डिलीवरी वी कैन गिव थ्री लैख इंटरनेशनल यूनिट और प्रेगनेंसी और लैकटेशन में ओके वीकली हम दे सकते हैं फाइव थाउजेंड से लेके ट्वेंटी थाउजेंड इंटरनेशनल यूनिट तक ओके okay? तो so, आपको सिर्फ ऊपर के दो पता होना इसेंशियल है ओके यू आर सपोज टू नो दिस शॉर्ट टर्म एक्शन में हमने क्या किया विटामिन ए प्रोफाइल एक्सिस टू होम टू वलनेबल ग्रुप मीडियम टर्म एक्शन मीडियम टर्म एक्शन में हमें क्या करना है ओके दिस इज मेनली वी आर रेग्युलर टू प्रमोट इंटेक वी आर सपोज टू प्रमोट रेग्युलर एंड एडिक्यूएट इंटेक ऑफ फोर्टिफाइड फूड्स ओके okay, तो हमारा फोकस यहाँ पे किसके ऊपर है जो फूड्स है जिसे हमने फोर्टिफाई किया है विटामिन ए से ओके सो फोर्टिफिकेशन ऑफ फूड्स विथ विटामिन ए ओके ये हमें करना है एक्टिविटी जो करनी है फूड आर्टिकल्स है उसे फोर्टिफाई करना है उसमें विटामिन ए डालना है और उसके साथ साथ लोगों को हमें क्या करना है वी मस्ट मोटिवेट द पीपल इन सच ए वे सो दैट दे कैन टेक रेग्युलर एंड एडिक्युएट इंटेक ऑफ फोर्टिफाइड फूड्स ओके तो इसमें हमने देखा विटामिन ए के लिए हमारे पास दो ऑप्शन हैं ओके वनस्पति और वेजिटेबल घी विच इज़ फोर्टिफाइड विथ विटामिन एके सो पीपल मस्ट कंज्यूम दिस फोर्टिफाइड फूड दैट इज मीडियम टर्म एक्शन और लॉन्ग टर्म एक्शन में हमें क्या करना है लॉन्ग टर्म एक्शन वी मस्ट प्रमोट कंजप्शन ऑफ ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स ओके तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का कंजम्पन बढ़ाना है ओके ब्रेस्ट फीडिंग को प्रमोट करना है एज लॉन्ग एज पॉसिबल थर्डली एनवायरमेंटल हेल्थ या फिर एनवाटल सैनिटेशन के ऊपर ध्यान देना है ओके okay? तो यहाँ पे अगेन टू थिंग्स आर देर यहाँ पे जेरो के लिए एनवायरमेंटल सैनिटेशन में सेफ वाटर सप्लाई तो आएगा ही आएगा उसके साथ साथ कंस्ट्रक्शन ऑफ एंड दिस थिंग्स आर फॉर ओके तो जेरो हम एनवाट में बात कर रहे हैं लोगों को सेफ वाटर मिलना चाहिए पीने के लिए या फिर हमें कंस्ट्रक्शन करना है लैटरिन का ओके दिस इज जस्ट टू रिड्यूस इंसिडेंस ऑफ डायरिया ओके और उसके साथ साथ हमें क्या करना है जितने भी बच्चों को डायरिया है उनको प्रॉम्प्ट एडिक्यूएट ट्रीटमेंट देनी है ओके डायरियल इन्फेक्शन को भी हमें कंट्रोल करना है ओके इसके साथ साथ हमें इम्युनाइजेशन एक्टिविटी के ऊपर ध्यान देना है इम्युनाइजेशन अगेंस्ट मीज़ल्स इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग टर्म एक्शन फॉर प्रिवेंशन ऑफ जीरोमिया ओके एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज हेल्थ एजुकेशन वी आर सपोज टू गिव एजुकेशन टू द ओके सो वन मोर प्रोग्राम इज देयर विच इज़ कंसर्न विद द प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ विटामिन ए डेफिशियंसी ओके तो ये प्रोग्राम का नाम क्या है नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन ऑफ न्यूट्रिशनल ब्लाइंडनेस ओके दिस प्रोग्राम वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द ईयर नाइनटीन सेवेंटी ओके तो ये प्रोग्राम में किसके ऊपर फोकस किया गया है ओके सो वी विल जस्ट सी कौन से थिंग्स है जिसके ऊपर फोकस किया गया है ओके okay, तो टाइम कम है सो यू प्लीज लिसन आई वोंट राइट द थिंग्स ओके तो यहाँ पे वी मस्ट प्रमोट कंजम्पशन ऑफ विटामिन ए रिच फूड बाय ओके तो तीन ग्रुप है जिनके ऊपर हमें ध्यान देना है प्रेग्नेंट वेमेन लैक्टेटिंग विमेन एंड अंडर फाइव चिल्ड्रन ओके ये जो तीन ग्रुप है इन्होंने विटामिन ए रिच फूड लेना इसेंशियल है ओके okay? सेकेंडली वी मस्ट प्रमोट ब्रेस्ट फीडिंग ओके तो ब्रेस्ट फीडिंग को हमें प्रमोट करना है थर्ड इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट इज टू एडमिनिस्टर विटामिन ए टू चिल्ड्रन अप टू फाइव इन ऑफ एज पांच साल तक के जो बच्चे हैं उन्हें हमें विटामिन ए देना है ये हमने पहले भी डिस्कस किया है ओके फर्स्ट डोज हमें देना है एट द एज ऑफ नाइन मंथस ओके अलॉन्ग विथ मीजल्स वैक्सीन नव्या महीन अपन जेवा मीजल्स वैक्सीन देते त्यासोबत फर्स्ट डोस द्यायचा आहे विटॅमिन एचा आणि तो डोस आहे वन लॅक इंटरनॅशनल युनिट ओके देन आफ्टर सिक्स मंथ्स डोस शुड बी डबल्ड टू लॅक इंटरनॅशनल युनिट्स असे कुठपर्यंत द्यायचे टिल दी एज ऑफ फाईव्ह इयर्स ओके सेकंड इफ द चाइल्ड इज सफरिंग फ्रॉम मिझल्स अँड इफ दिस चाइल्ड हॅज नॉट रिसिवड विटॅमिन ए इन लास्ट वन मंथ ओके तो मिझल्स का कोई बच्चा आपके पास आता है तो आपको सिर्फ ये पूछना है कि लास्ट मंथ में विटामिन ए लिया है या नहीं लिया है अगर नहीं लिया है तो एक डोज हमें देना है विटामिन ए का ओके प्लस एडिशनल डोज ओके एडिशनल डोज ऑफ विटामिन टू होम वी आर सपोज टू गिव ऑल चिल्ड्रन विथ माल न्यूट्रिशन ओके जो जो कुछ भी जितने भी बच्चे हैं जिन्हें सिवियर माल न्यूट्रिशन है उन्हें हमें एक डोज एक्स्ट्रा देना है विटामिन ए का और इसके साथ साथ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट इज टू ट्रीट जेराफ ओके तो जेराफ का ट्रीटमेंट है विटामिन ए का एडमिनिस्ट्रेशन है मीजस जिनको है उनको एक डोज देना है सिवियर माल न्यूट्रिशन है तो वहाँ पे भी हमें एक डोज देना है इसके साथ साथ विटामिन ए रिच फूड ओके सो कंसम्पन शुड बी increased okay by pregnant women lactating women or by under five children okay so this is about xerophthalmia it's my kind request to cr please start with attendance yeah. he's there

Yes, I can, I can see her name. Yes, yes, yes. She is present. Uh -huh. yes 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 I can see him yeah. like, hmm. I can see her I can see her name. Is present. Thank you.